मैंने एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप का बैच ज्वाइन किया था सर ने मतलब उस टाइम मुझे जो बताया ना कि आप ये किताब है जो इनको पढ़ो बार बार मैंने बीच में एक दो बार बदला भी था किताबों का लेकिन कुछ ऐसे समझ नहीं आया आगे फिर मैं सर से मिला फर्स्ट टाइम तो मेरे जैसे कोचिंग से पहले मैंने एग्ज़ाम दिया तो मेरे इंग्लिश में दो नंबर आए थे और फिजिक्स में तीन नंबर फिर मैं यहाँ कोचिंग करने आया था एक दो के कोचिंग देख भी थी लेकिन कुछ ऐसे समझ नहीं आया फिर मैंने सर से पर्सनली बात की थी एक बार बीच में तो सर ने मेरे को ये बताया कि आप इधर उधर मत भटकिए आप एक ही चीज पर फोकस करिए आपका जो गोल है उस पर फोकस करिए और जो भी आप करना चाहते हैं उसको एक मतलब माइंड में रख के और उसी पर काम कीजिए एक ही किताब को आप बार बार पढ़िए जो आई हेड कॉन्स्टेबल टेलीकम्युनिकेशन में मेरा सिलेक्शन हुआ पचास परसेंट सिलेबस था इसका एयरफोर्स वाला 50 परसेंट जो अपनी नॉन टेक्निकल मैथ होती है और जो भी होता है उसका था मेरे जो एयरफोर्स का जो 50 परसेंट सिलेबस था 50 में के मेरे बयालीस नंबर आए थे मैथ में मेरे बीस में के बीस जैसे ये लाइफ चलती है जहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं जब भी स्ट्रगलिंग फे, फेज होता है अपना जो भी उसमें बहुत सारी परेशानियाँ आती है उस टाइम में डिप्रेशन में चला गया और मैं किसी को नहीं बता रहा कि मेरे साथ क्या चल रहा है लाइफ में जो चल रहा था वो चलता ही रहा था मतलब ऐसे लग रहा था अब आगे कुछ नहीं है मेरा भविष्य मैंने सर को मेरी परेशानी बताई मैं थोड़ा डिप्रेशन में हूँ और उस टाइम में इतना डिप्रेशन में था लाइब्रेरी में अकेला ऐसे ही ना फट पा रहा था सामने किताब रखी है आंखों से आंसू आ जाते हैं बस सर ने सबसे पहले यही बोला जो भी आपकी परेशानी है वो बताइए फिर मैंने बताया सर को मैंने पहले ही बोल दिया कि सर देखो मेरे पास फीस वीस कुछ नहीं सर ने बोला कोई दिक्कत नहीं है आपकी जब भी जॉब लगे सैलरी आए कभी भी जब आप कर देना सर ने मेरे दो ढाई घंटे मेरे को टाइम दिया वो टाइम मेरा इतना इम्पोर्टेंट था उस टाइम से मतलब एक टर्निंग पॉइंट था वो मेरा उस दिन मैं ये समझ गया था कि ऐसा कुछ नहीं होता जो मैं सोच रहा हूं ना ओवर ज्यादा कर रहा था मैं उस टाइम ऐसा डिप्रेशन में खुद ही खुद सोच के के ऐसा हो गया बिल्कुल मैं खुद को यह नहीं रियलाइज कर पा रहा था कि मैं कौन हूं क्या इरादे से मैं जयपुर में आया हूँ और कैसे मैं पढ़ाई करता था कैसे क्या सब कुछ पिछली बात है सब कुछ भूल गया था फिर सर ने मेरे को ये भी बताया कि आप जो कर रहे हो ये दुनिया में सबके साथ होता है अधिकतर जो भी आप डिप्रेशन में गए हो जिस वजह से वजह सबकी अलग अलग होती है अधिकतर वजह एक ही होती है जो सब जानते हैं कि डिप्रेशन में जाने का सर ने मुझको उस दिन दो ढाई घंटे दिए थे और कोई चार्ज वार्ज ऐसा नहीं लिया मैंने सर से बोल भी दिया था कि सर मैं जब भी नौकरी लगूंगा एक बार जरूर आऊँगा और आपको जैसे मेरी फर्स्ट सैलरी आएगी उसमें से जो भी आपका चार्ज बनेगा उससे ज़्यादा ही दे के अकेले रहने से क्या है कि थोड़ा अपन उसी चीज़ के बारे में सोचते हैं जिस वजह से अपन डिप्रेशन में गए हैं या फिर उस वजह से सर ने बताया कि आप थोड़ा बात बात कीजिए घर वालों से ये मैं घर चला गया उस उसके चार पाँच दिन बाद ही रिज़ल्ट आ गया था मेरी ऑल इंडिया चौसवीं रैंक थी फिर उसके बाद दस दिन बाद ही सी का रिज़ल्ट आ गया फिर उसमें भी हो गया मेरा